डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हुए एक त्रिकोणमिति चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 जो एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, चलिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम लोगों को जो भी नया एक्सरसाइज शुरू करना होता है, उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला को देखते हैं। अब वो फार्मूला क्या है, जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों को फार्मूला देखना होगा। तो अब उससे रिलेटेड जो सूत्र है वो बिल्कुल आपको याद आना चाहिए। ये सूत्र बहुत अहम है, ज्यादा बड़ा सूत्र है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब वो फार्मूला क्या है, जरा समझेंगे हम लोग। तो पहला फार्मूला यहाँ पे ये निकल कर आता है कि अगर दोस्तों साइन के ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र को बोलते हैं पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण वाला त्रिकोणमिति के सूत्र। ठीक है, पूरक कोण वाले त्रिकोणमिति के सूत्र, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है ये पूरक कोण वाले सूत्र है, पूरक कोण वाले सूत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को यहाँ पे कौन सा सूत्र भी पढ़ने को मिल रहा है, पूरक कोण वाले सूत्र। अब ये जो पूरक कोण वाले जो सूत्र है, तो पहला फार्मूला क्या मिला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। दोस्तों, इसी का उल्टा है हम लोगों का। अगर कॉस रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, कब, जब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा लिख देंगे। उसी के आगे तीसरा नंबर फार्मूला हम लोगों को ऐसा कुछ है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला कॉट थीटा। और चौथा, अगर दोस्तों कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे टेन थीटा। क्या बोलेंगे इसको, टेन थीटा। ठीक है, उसी से और भी हम लोगों को दो बच गया, यानी पांचवा नंबर, अगर दोस्तों रहेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तब इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और एक छठा फार्मूला इधर लिख देते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। दोस्तों, आप यहां से देख पा रहे होंगे, हम लोगों को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री मतलब मेरा फिक्स होना चाहिए, ये 90 डिग्री मेरा फिक्स है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी सही है, अगर मान लिया कि कहीं कॉस थीटा रहेगा, तो उसको साइन 90 डिग्री में से थीटा को घटा लेना है। अब ये थीटा के जगह पे कुछ और हो सकता है, जैसे अगर आपको बोल दिया साइन ए, क्या बोल दिया, साइन ए, इसको पूरक कोण में चेंज करना है, तो साइन ए है, इसको साइन का हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस में ए। देख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि थीटा है तो यहां पे थीटा आ गया, अगर यहां पे ए होता तो यहां पे साइन ए लिख देते। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये पूरक कोण वाले सूत्र हैं, और ये इतने इंपोर्टेंट फार्मूला है, इतने इंपोर्टेंट फार्मूला है कि आप इन्हीं छह फार्मूला का यूज करके पूरा का पूरा आपका 8.3 बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा।
लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है अलग टाइप से। क्या अलग टाइप है जरा समझिएगा, ध्यान रहे पूरक कोण हमेशा कितना होता है, तो पूरक कोण का मतलब होता है कि दो गो कोण को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, उसको बोलते हैं पूरक कोण। यानी कि कोई भी कोण, अगर कोई भी दो कोण है और दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर पूरा पूरा 90 डिग्री आ जाता है तब दोस्तों उसको बोलते हैं पूरक कोण। उसी तरीके से आपको याद आना चाहिए कि अगर अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब उसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं उसको? समपूरक कोण। लेकिन यहाँ पे समपूरक का भी बात नहीं करना है, न्यून कोण भी होते हैं, अधिक कोण भी होते हैं, तो इन सारी कोणों का हमें यहाँ पे बात नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। कौन से कोण? पूरक कोण। तो पूरक कोण अगर कोई पूछेगा कि पूरक कोण क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि कोई भी दो गो कोण को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं पूरक कोण। अब ये जो फार्मूला है आप हमेशा जोड़ा में करके याद रखिए, ये दोनों को एक साथ याद रखिए तो ये फार्मूला बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा। ये दोनों को फार्मूला एक एक जैसा याद रखिए एक तरफ, और ये पांचवा और छठा दोनों को एक जगह याद कीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग टाइप से याद करना पड़ेगा कि पूरक वाले में साइन और कोस उल्टा होते हैं। देख लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो दोनों आपस में क्या हो गए? उल्टा हो गए। ये कब उल्टा हो रहा है साइन कोस? हालांकि अगर बात करें अभी तक के हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, नहीं साइन थीटा पी बटा एच, तो कोसेक थीटा क्या होता है? एच बटा पी। कोस जो उल्टा होता है वो सेक का होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा हो जाएगा क्या? एच बटा में बी। टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा पी बाई बी, तो कोट थीटा बी बटा पी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि अगर पूरक कोण जहां भी होगा वहां पे साइन का उल्टा कोस होता है और टेन का कोट, तो ये हमेशा पहले से भी याद है हम लोगों को कि टेन का उल्टा कोट, तो इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और केयर करना होगा कि सेक का उल्टा हो जाता है कोसेक। कब? जब पूरक कोण रहेगा तब। यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। दोस्तों अब ये फार्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ये बोलता है कि आप फार्मूला को रट लो और याद कर लो, इससे ज्यादा आपको समझना चाहिए या फिर इस फार्मूले का यूज करना कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं इस फार्मूला को यूज कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों अगर मान लिया कि कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही मान लिया कि एक क्वेश्चन है, देख लो पूरक कोण में चेंज करना है। पहला सवाल है tan 48 डिग्री, ठीक है tan 48 है, अब ये tan 48 है, ठीक है, अब इस tan 48 है आप कैसे बोल पा रहे हैं, इसको बोल के देखिए, तो tan 48 डिग्री ऐसे ना आप बोल पा रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे भैया कि तुम ये tan 48 है ना, तो इस tan 48 को तुम कोट में बदलो। किसमें बदलो? कोट में बदलो। तो आप फार्मूला अपनाएंगे कि tan थीटा बराबर होता है कोट डिग्री माइनस कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लीजिए tan थीटा से हमें जाना है कोट में, हम बोलेंगे कि ये क्या है tan 48 है, ये किसमें है आपको दिख रहा है tan में, लेकिन हम बोलेंगे कि आप इसको कोट में बदलिए, कुछ में बदलिए कोट में। तो आप फटाफट क्या करेंगे, तो सिंपल तो है, आप कोट लिखेंगे और 90 डिग्री माइनस, यही ना थीटा है, थीटा का मतलब कोण, और कोण यहां दिया है
48 घटा लीजिए तब ये हो जाएगा कोड 42 डिग्री। समझ में आ रहा है, यानी कि ये पूरक कोण वाला फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बदलने में, कुछ करने में बदलने में। लेकिन हाँ दोस्तों एक और बात कि आपको उसी में बदलना है जिसका बदला जाता है। अगर हम बोलते हैं कि tan 48 है, तुम साइन में बदल कर दिखाओ, तो बड़ा लोचा वाला बात है कि tan तो साइन में कभी बदला ही नहीं सकता यार, क्योंकि tan और cot का उल्टा होता है। हम अगर इस tan को बोलते हैं, tan को देकर कि तुम sec में बदलो, तो बोलते कि नहीं बदलाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उल्टा भी देखे ना पूरक वाला में। पूरक कोण के लिए याद रख लीजिए कि साइन का उल्टा कॉस, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक और कोसेक में भी ऐसा ही चलेगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, चलिए तो हम अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं अभी कि भाई सेक 41 डिग्री है, सेक कोची है 41, तुम अभी बोल गया है कि सेक 41 है, तो हम बोलेंगे कि इस सेक 41 को तुम कोसेक में चेंज करो, कोची में चेंज करो कोसेक में। तो हमको फार्मूला याद है कि सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा है तो सेक का उल्टा कोसेक, ठीक है, और यहां थीटा है तो यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा कितना 41, तो इस तरीके से हम लोग को हो जाएगा कॉस कोसेक 49। इसका मतलब दोस्तों आप सेक 41 बोलो चाहे कोसेक 49 बोलो, दोनों क्या है इक्वल है। कोई स्टूडेंट बोल रहा है tan 48 कि मेरा आंसर आया है tan 48, कोई बोल रहा है कि हमको आया cot 42, तो दोनों क्या है अलग अलग नहीं समझना है, दोनों एक ही है, बशर्ते वो बदल के बोल रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है बदल के बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरक कोण वाला सूत्र को हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बदलने में, सिर्फ इसका फॉर्मूला है बदलने में। जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, देख लो भाई ऐसा है, पहला क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है एग्जांपल में, कोस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तुम इसको पढ़ेगा कैसे, तो यही ना बदल पढ़ेगा कोस 90 डिग्री माइनस 30, ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस 30। अब कोस माइनस 90 डिग्री माइनस 30 है तो इसको आपको बदलना है कोची में, तो हम बोल रहे हैं साइन थीटा में बदलिए, तो फॉर्मूले होता है, देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, तो ये 90 का तो 90 भी मिल गया और थीटा के जगह पे कितना है 30 है, थीटा के जगह पे 30, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, अगर मान लिया कि आप बोलते हैं कि सर अगर 90 नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, जैसे मान लिया अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इस बार साइन है, ठीक है, 75 डिग्री माइनस 44 डिग्री ऐसा देवल है, साइन 75 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो सबसे पहले इसको घटा लीजिए, क्या दिक्कत है, जैसे हम अब बोलेंगे इसको कि आप चेंज कीजिए, तब तो आपको लफड़ा खड़ा हो जाएगा कि सर यहाँ पे 90 डिग्री तो है ये नहीं है, तब फार्मूला पे कैसे आ रहा है, तो आ जाएगा यहाँ साइन का साइन लिखेंगे, अब 75 में से 44 घटाइए तो 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 4 गया, साइन 31 डिग्री हुआ। अब इस साइन 31 को कोस में बदलिए, तो इसको साइन से कोस जाने के लिए कोस लिखते हैं, अब 90 डिग्री में से 31 घटा लीजिए तो यहां हो जाएगा कोस और कितना 59 डिग्री, तो इसको हम लोग साइन 75 माइनस 44 को आंसर आ गया कोस 59।
यानी कि ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली घटा सकते हैं, लेकिन 90 वाला में डायरेक्ट ही आंसर। अगर आपको लग रहा होता है कि क्या सर यहाँ पे भी घटा सकते थे, तो बिल्कुल घटा सकते हैं। तो कोस का कोस लिखते हैं, 90 में से 30 गया कितना 60। अब कोस 60 से हमको साइन जाना है, तो कोस का उल्टा होता है साइन, साइन में बदलेंगे, और ये वाला 60 है तो 90 डिग्री में ना, क्योंकि यहाँ थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ 90 में से 60 गया तो कितना साइन बन गया 30 डिग्री। तो कोई भी सिचुएशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना सारी चीजें अगर हम लोगों का हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, लेकिन एक और फार्मूला यूज होगा, मात्र एक फार्मूला, और वो फार्मूला कौन सा है जरा देख लेते हैं। एक फार्मूला यूज हो सकता है इस एक्सरसाइज में, वो फार्मूला ये है कि टैन थीटा, ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा और कॉट थीटा को गुणा करते हैं दोस्तों तो एक आता है, हमेशा याद रख लीजिएगा। टैन थीटा बोल रहे हैं और कॉट थीटा बोल रहे हैं, यानी कि यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम वन लिखेंगे। मतलब दोस्तों जरा बता देते हैं, टैन 45 डिग्री और गुना कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हमेशा एक होगा। आप देख भी सकते हो, हम बोलेंगे टैन 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री का वैल्यू एक होगा। एकदम ट्रिक है, याद कर लो, कब एगो टैन होना चाहिए एगो कोट होना चाहिए, लेकिन दोनों में जो थीटा है, थीटा मतलब एंगल, एंगल माने कोण, दोनों का कोण समान होना चाहिए और गुना में होना चाहिए। जैसे टैन 45 गुना कोट 45, टैन 30 गुना कॉट 30, ठीक है। फिर अगर बात करें तो टैन 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना, तो डायरेक्ट वन, हमको ये नहीं देखना है यहाँ। लेकिन आपको लगता है कि सर नहीं आएगा, तो तुम चेक कर लेना भाई, टैन 60 का तो वैल्यू तुमको पता है ना, वो टेबल में जो लिखवाए थे, और कोट 60 रख देना, दोनों के गुना कर देना, गुना करने से खुद सब कट के एक आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइफ में कभी भी टैन 5 डिग्री गुने कोट 5 डिग्री आएगा, तब हम ये नहीं बोलेंगे कि सर टैन 5 का तो हमारा वैल्यू ही याद नहीं है। भाई वैल्यू को तुम छोड़ दे, टैन और कोट एंगल सेम सेम है ना, ये 5 है और ये 5 है, तब तुम डायरेक्ट वन करो, ठीक है। ध्यान रहे, दोनों का कोण जो है बराबर होना चाहिए, दोनों का कोण बराबर होना चाहिए, दोनों का अलग अलग नहीं होना चाहिए। भाई वह अगर 5 के बजाय यहाँ अगर 4 मिल गया ना, तभी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तुम एक कहीं जिंदगी में गलती से नहीं लिखना, ठीक है। अब तुम एक लिखेगा तो महा गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग अलग है। तो ध्यान रखना फार्मूला क्या हुआ कि एगो टैन होना चाहिए एगो दूसरा कॉट होना चाहिए, टैन होना चाहिए कोट होना चाहिए, और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए और गुना में होना चाहिए, तब तुम एक लिख सकता है, ये तुम कभी भी कितना पर भी लिख सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू वन होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू वन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या है और उसे हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होगा, तो इसी वे में हम लोग समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हिट करेंगे, एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। 8.3 के क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। अब 8.3 में क्या क्वेश्चन है जरा उसको देख लेते हैं। तो 8.3 में पहला में बोल रहा है, पहला में 4 गो सवाल है भाई, क्या वो सवाल है 4 गो। अभी जो 4 गो सवाल है, इस चारों का बोल रहा है कि आप मान निकालिए, क्या करिए मान निकालिए। मान कैसे निकालेंगे देख लो भाई, पहला में टोटल 4 सवाल है, तो हम सिंपल पहला बताएंगे और तीसरा बताएंगे, पहला और तीसरा, पहला के 4 गो सवाल है तो हम पहला का पहला बताएंगे और पहला का
तीसरा बताएंगे और बाकी जो पहला का दोनों सवाल छोड़ेंगे वो आपके लिए होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपको रहेगा कि सर फार्मूला तो समझ गया, फार्मूला याद भी हो गया, भाई मेरे फार्मूला को याद रख लेने से मैथ समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैथ को समझने के लिए थोड़ा सा उसको यूज करने का तरीका भी देखना चाहिए कि हम लोग आज आखिर उस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं फिर चलते हैं हम लोग आगे, ठीक ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 बटा कोस 72। देख लो भाई अच्छा से समझियो, ठीक है। साइन 18 बटा कोस 72 ये हम लोगों का क्वेश्चन है। पहला का पहला सवाल देखिए, पहला का पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, ठीक है। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। दोस्तों साइन 18 है और कोस 72 है, तो साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री है तब तो मामला गड़बड़ है। अगर साइन 18 का तो वैल्यू पते नहीं, तब आप हमसे पूछिएगा कि सर आप तो धोखेबाजी कर दिए हम लोगों के साथ, आप तो बोले थे कि कहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा, खाली 0, 30, 45, 60 और 90 वाला के मान याद करके फुसलवा दिए, फुसला लिए। यहाँ तो साइन 18 है कोस 72 है और 72 का तो वैल्यू आ गया, तो हम बोले कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो भाई, यहाँ पे ना आपको पूरक कोण लगाना है, पूरक कोण का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तब आप बोलिएगा कि सर पूरक कोण हमको समझ में नहीं आया है, फिर से बता दीजिए। तो भाई देखो ऐसे सवाल को जो यानी कि बट्टा में सवाल रहेगा, ऐसे सवालों में इसको दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एगो का हम बोलते हैं मेथड नंबर 1 और एगो के बोलते हैं मेथड नंबर 2, यानी कि पहला नियम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा नियम से भी सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। दोस्तों पूरक कोण अब कब लगाएंगे, आखिर आपसे सवाल होना चाहिए ना कि सर पूरक वाला कोण वाला फार्मूला कब लगाएंगे, ठीक है। तो पूरक कोण का जो फार्मूला है दोस्तों तब लगाया जाता है जब आपको उसका मान नहीं पता है। जैसे साइन 18 के पता है नहीं, लेकिन 11th क्लास में जाइए ना सब कुछ के वैल्यू पता हो जाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन अभी 10th में तो पता नहीं है, वहां तो एक कदम कदम का वैल्यू पता है, साइन 0.5 का पता हो जाएगा वहां पे, साइन 18 का, साइन 17 का, कोस 15 का, कोस 14 का, सबका वैल्यू वहां पे हम लोग सीखेंगे। समझ में आ रहा है। तो खासकर अभी जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना, साइन 18 तो पता नहीं है, कोस 72 तो पता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पूरक कोण लगाना है। अब पूरक कोण लगाना कैसे है ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण लगाने से पहले आपको अगर एक या दो ट्रिगो रहेगा वहां से कोई एक ही को चेंज करना है। दोस्तों पूरक कोण आखिर क्यों लगाते हैं हम लोग, कोई पूछ दिया कि पूरक कोण क्यों लगाया जाता है, तो सिर्फ बदलिएगा बोलिएगा कि ट्रिगो को चेंज करने के लिए, यानी कि हमको साइन में दिख रहा है ना क्वेश्चन तो उसको हम कोस में बदल सकते हैं, अगर टेन में दिख रहा है तो कोट में बदल सकते हैं, कोट में दिख रहा है तो टेन में बदल सकते हैं, माने कि पूरक कोण जो है अदला बदली करने के लिए है, ठीक है। चलो तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बता रहे हैं कि इसको दो गो मेथड से सॉल्यूशन किया जाता है। अब तुमको जो सा भी मेथड यूज अच्छा लगे, हालांकि दोनों एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। दोस्तों अगर आपको पूरक कोण लगाना होता है तो ये अंश कहलाएगा, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। तो अंश और हर में रहेगा सवाल तो आपको किसी एक को वैसा का वैसा छोड़ना है। जैसे अगर आपकी इच्छा है कि साइन 18 वाला को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करें, तो ऊपर वाला साइन 18 है तो साइन 18 रख दिए, ठीक ना। और नीचे वाला सवाल में कुछ ही है, कोस 72 पूछिए, कोस 72, तो इस कोस 72 को आप चेंज कीजिए, तब आपको अपने से चेंज करना होगा
कि कोस जो है वो किस में चेंज होगा, तो कोस का उल्टा साइन होता है, तो ये जो नीचे वाला कोस है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कोची में साइन में, तो इसको अगर साइन में चेंज करेंगे तो कोस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा दिया हुआ है तो 90 में से घटा लेंगे तो 90 माइनस 72। ध्यान दीजिएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, कोस 72 था तो कोस 72 को हम यहां चेंज कर लिए, तो कोस का उल्टा साइन और ये 72 को 90 माइनस 72 फार्मूला से, ठीक है। अब ऐसा करने पे दोस्तों ऊपर को तो हम लोग ऐसा का ऐसा ही ना छोड़े थे, तो ऊपर क्या है साइन 18, नीचे क्या आया तो साइन, और 90 में से 72 घटाइएगा तो साइन 18, और साइन 18 के पहाड़ा याद नहीं है, साइन 18 एकम साइन 18 यानी एक बार में कट गया, तो इसका एक आंसर आ गया। दोस्तों हम वही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई अंश और हर में रहे और उसका फार्मूला याद नहीं है, उसका वैल्यू पता नहीं है, तो आप पूरक कोण इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप साइन 18 को ना ऊपर छोड़ दिए थे ऐसे ही, इस बार दोस्तों दूसरा मेथड में हम नीचे वालों को वैसे ही छोड़ दिए, कोस 72 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि जब कभी भी बट्टा वाला केस आए तो कोई एक गो के चेंज करना है, दोनों के चेंज नहीं करना है, या तो आप ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, साइन 18 था सवाल में साइन 18 छोड़ दीजिए और नीचे वाला को बदल दीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपकी इच्छा है, देख लो मैथमेटिक्स अच्छे से सीखो, ठीक है, मैथमेटिक्स का नाम ही है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी से सॉल्व करेंगे, हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में नीचे क्या था, कोस 72, इस बार कोस 72 को कोस 72 लिख दिए और ऊपर वाला साइन 18 है, तो इस साइन 18 को तो चेंज करेंगे, कर सकते हैं ना, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, क्योंकि हम याद किए पूरक में कि साइन का उल्टा क्या होता है कोस, तो यहां हो जाएगा कोस और ई 18 को लिख देंगे 90 माइनस 18, यानी कि देख लो किसी को भी चेंज किया जाता है ना तो उसका उल्टा लिखो, जैसे साइन को चेंज करना है तो साइन का उल्टा कोस और ई 18 को 90 माइनस 18। दोस्तों पहला वाला सवाल में साइन 18 को साइन 18 छोड़ दिया था, दूसरा सवाल में कोस 72 को कोस 72 छोड़ दिया है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी भिन्न में अंश और हर होते हैं तो अंश और हर में किसी एक को चेंज करना है, यानी कि आप अगर अंश को वैसा का वैसा छोड़ते हैं तो हर को फिर चेंज करना पड़ेगा, अगर आप हर को वही का वही सवाल जैसा छोड़ते हैं तो आपको मानी कि एक को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बदल दिए ऊपरे वाला को, तो ऊपरे वाला अब कोस है और 90 में से 18 घटाइए 72 और नीचे भी कोस 72, तो कोस 72 का पहाड़ा, अरे कोस 72 एक बार में नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। इस तरीके से पहला का पहला सवाल हम दोनों मेथड से बता दिए, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अच्छा किसी एक मेथड से हम लोग बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप पर निर्भर करता है कि आप ऊपर वाला चेंज कीजिए कि नीचे वाला चेंज कीजिए, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहला का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है वो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम पहला का पहला सॉल्यूशन किया, ठीक है। चलिए तो अब एक्सरसाइज 1.8.3 का पहला का तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल को जरा अच्छे से देखेंगे हम लोग, तो क्या है कोस 48 माइनस साइन 42, देख लो भाई कोस 48 माइनस साइन 42 यही है ना, इसको भी दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड वन मेथड टू, समझ रहे, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि दो गो है और घटाओ में है, दो गो चीज है वो कोस 48 है एक साइन 42 है, तो दो गो में से या तो आप इसको का वही छोड़ दीजिए और इसको चेंज कर लीजिए, यानी कि हम पहला मेथड में ध्यान दीजिएगा कोस 48 को कोस 48 वैसे ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, माइनस सवाल में है माइनस लगा दिए, लेकिन इस साइन को हम लोग चेंज कर लेंगे, ये जो साइन 42 है ना
तो साइन को चेंज करने का रूल क्या है, साइन का उल्टा कोर्स लिखो, और ये 42 है इसको 90 माइनस 42 करो। तो ये तो खुद सवाल में दिया हुआ था कोस 48, तो यहाँ कोस 48 लिख दिए, कोस 48 माइनस कोस का कोस लिखेंगे और 90 में से 42 घटाइए 48। तो हम जानते हैं ना कि सेम नंबर में से अगर सेम नंबर घटाना होता है तो जीरो लिखता है। जैसे तुम समझो पांच में से अगर पांच घटाना रहेगा तो जीरो लिखता है ना, अगर एक्स में से एक्स घटाना रहता है तो जीरो। वैसे ही कोस 48 में से अगर कोस 48 घटाना है तो हम क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। ठीक है, तो ये मेथड नंबर वन हो गया। हम वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब मेथड नंबर टू में क्या करेंगे, यानी कि इससे भी बना सकते हैं तो आपका आंसर सही होगा, कोई गलती नहीं कटेगा, और नहीं तो आप पहले वाला को ही चेंज कर लीजिए और माइनस साइन 42 को माइनस साइन 42 छोड़ दीजिए वैसे ही, लेकिन पहले वाला को चेंज कर लीजिए, यानी कि कोस है इसको आप चेंज कीजिएगा तो कोस का उल्टा हो जाएगा साइन, और वो 48 है तो जिसको चेंज करते हैं उसको 90 में से घटाते भी तो है, जैसे कोस को चेंज किए तो कोस का उल्टा साइन, और यहाँ 48 है तो 90 में से 48 घटा लिए, तो यहाँ के बाद से भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका भी आंसर जीरो होगा। तो दोस्तों 8.3 के जो पहला में चार क्वेश्चन थे, आप सबको अच्छे तरीके से चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल अगले क्लास में आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे, और दोस्तों सभी फार्मूले को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। हाँ, अगर आपसे बनता है तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।